जामे के लिए एजाज़ की बात है कि 30 मदारिस के दरमियान एक मुकाबला हुस्न खिताबत या तकरीर का जो है वो मुनक्कद करवाया गया। मुनक्कद करवाने वाले ये बरेलवी मसलक के अहले सुन्नत मसलक के उलमा थे। इधर मॉडल टाउन में एक जगह पे इदारे का मुकाबले का इनेकाद हुआ। बिहम्दिल्ला 30 मदारस में से हमारे जामे इस्लामिया सल्फिया मस्जिद मुकर्रम मॉडल टाउन के तालबेलम अब्दुल मन्नान गुजराती ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। ये जामे के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। अल्लाह करे इसी तरह हमारे तलबा बैरून शहर बैरून मुल्क भी जाके इलम के दरवाज़ों पे यूँ दस्तक दें और कामयाबियों से लौटें। मैं आप भाइयों के सामने अब्दुल मन्नान गुजराती को जो दर्जा साबिया के तालब इलम हैं दावत देता हूँ कि वो आपके सामने अपनी तकरीर को पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लकद कतबना फिज़्ज़ुबूरि मिन बादिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ध यरिसुहा इबादिय्यस सालिहून وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر غيرت کی نگاہوں میں یہ آنسو نہیں خون ہیں غیرت کی نگاہوں میں یہ آنسو نہیں خون ہیں غریدہ غفلت پہ ٹپک جائے تو جل جائے حالات کی گردش نے چلایا ہے جو مجھ پر حالات کی گردش نے چلایا ہے جو مجھ پر ऐ काश वनिश्तर तेरे एहसास पे चल जाए। सामईन इख्तिशाम उस्तादा इकराम शुखैन किराम और उलमाए किराम अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर के मुतल्लिक बात करना चाहूँगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला बसीरत तदब्बुर अज़्म इस्तिक़लाल वफादारी और फिदाकारी का हुस्न मुरक्का है। वो सानिया स्नैन फिलगार फिदाए ज़ात नबी इस्लाम के पहले खलीफा राशिद अम्बिया और रसूल के बाद सिद्दीकीन के सरफेल सालिहीन में सबसे अफजल व बेहतर और आला इतलाक सहाबा इकराम में सबसे अफजल व आला सबसे ज़्यादा इल्म वाले और अफजल बशर बादल अम्बिया के असल मिसदाक हैं। तुलबा जामे इस्लामिया सल्फिया मुकर्रम मस्जिद की नुमाइंदगी करते हुए मैं अफजलियत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दलाइल से साबित करता हूँ। सबसे पहले मुझे रब्बे तआला सानिस नईन इधुमा फिलगार के अल्फाज से पुकारते नजर आते हैं। मैंने दर मुस्तफ़ा पे हाजिरी दी कि आका अफजलियत अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लिक क्या अहकाम है तो मुझे सही बुखारी की रवायत नंबर 664 नजर आती है। फरमान मुस्तफ़ा मिलता है मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास। मैंने सही मुस्लिम को उठाया मेरी नज़र हदीस नंबर 6172 पे पड़ती है। फरमान मुस्तफ़ा नजर आया लौकुन तुम मुत्तकीदन खरीला लब तखस्तु अबा बकरिन खरीला। मैंने सुनन अबी दाऊद को खोला मेरी नज़र हदीस नंबर 5246 पे गई। फरमान मुस्तफ़ा नजर आया इन्नका या अबा बकरिन अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। मैंने सुनन तिर्मिज़ी को खोला मेरे सामने रवायत नंबर 3693 आई। फरमान मुस्तफ़ा नजर आया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरुहू। मैंने सुनन इब्ने माजा को खोला मेरे सामने रवायत नंबर 94 आई। फरमान मुस्तफ़ा नजर आया इन्नका या अबा बकरिन इन्नक या अबा बकरिन मा नफानी मालुन कत्तु मा नफानी मालुका। मैंने हजरात थोड़ा सा आगे बढ़ा मैंने अफजलियत सिद्दीक अकबर के मुतल्लक मैंने असहाबे पाक से पूछना चाहा तो मुझे सही बुखारी की रवायत नंबर 3655 में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते नजर आए कुन्ना नुखय्यिरु बैनन नास फी ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुखय्यिरु अबा बकरिन। मैंने इनके मुतल्लक अहले बैत से पूछा अफजलियत अबू बकर क्या है मुझे वहाँ भी अफजल अबू बकर नजर आए। मिरातुल मसाबी के अंदर मुझे जाफर सादक ये फरमाते नजर आए वलदनी अबू बकरिन मर्रतैनी। मैंने सीरत अलीउल मुर्तजा पर नजर दौड़ाई मुझे वहाँ भी अफजल अबू बकर नजर आए। मौजमुल कबीर तबरानी की रवायत नंबर 178 मेरे सामने आती है। फरमाने
अली मेरे सामने आता है कि वफात मुस्तफ़ा के बाद दुनिया कायनात पे कोई अफजल शख्सियत है तो वह अबू बकर हैं। मुसनद अहमद की रवायत मेरे सामने आती है, इन्ना अफजल हाजिल उम्मती बादा नबीहा अबू बकरिन। हजरत में चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने कुतुबे रवाफिज का मुताला किया, मुझे वहाँ भी अफजल अबू बकर सिद्दीक नजर आए। मैंने रिजाल कशी का सफा नंबर 283 को देखा, फरमाने अली नजर आया के लाइन ओती तू बिराजुलिन युफज़िलुनी अला अबी बकरिन व उमरा लाजलिदन्नहु हद्दल मुफ्तरी। मैंने इनकी किताब किताबु शाफी को देखा, सफा नंबर 428 को देखा, मुझे फरमाने अली नजर आया, इन अफजल हादिहिल उम्मती इन खैर हादिहिल उम्मती बाद नबीहा अबू बकरिन। हजरात इनकी किताब नहजुल बलागा को देखा, सफा नंबर 74 को देखा, 291 को देखा, 292 को देखा, 332 को देखा, उसूल शाफी को देखा। इनकी किताब मैंने तफसीर कुम्मी का सफा नंबर 687 पर नजर दुराई, लेकिन जहां भी देखा अफजल मुझे अबू बकर ही नजर आए। आ जाइए हजरात, एक मैदान में आ जाते हैं, एक मिंबर पे आ जाते हैं, सिद्दीक की सदाकत के लिए, उमर की अदालत के लिए, अबू बकर की शुजात, उस्मान उमर की शुजात के लिए, और पूरी दुनिया में ऐलान कर देते हैं और हम भी मान लेते हैं वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया हैं। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा हैं। फरिश्ते उसी की अदाओं पे कुर्बान, उसी की नमाजों दुआओं पे कुर्बान। वो सिद्दीक अकबर जिसका लकब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। आइए फिर मिल करके हम सिद्दीक की सदाकत के लिए एक नारा लगाते हैं, सदाए हक की जरूरत से तू जिंदा कर जमाने को, कि तेरे साथ दुनिया में हजारों दिल धड़कते हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।